नमस्कार, जनमीडिया टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रकाश मिश्रा, प्रयागराज नगर निगम में इस समय वार्ड नंबर 45 ओम प्रकाश सभासद नगर 2 के पार्षद मिथेश कुमार सिंह जी के साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका प्रयागराज नगर निगम जो है अभी स्मार्ट सिटी में इसकी रैंकिंग जो है बढ़ी है। पिछले 15वें पायदान में थे 100 स्मार्ट सिटी में, हम लोग 11वें पायदान में। इसमें आप लोगों का भूमिका बहुत अत्यधिक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी सब को देखते हुए संक्षिप्त में अपना थोड़ा परिचय देते हुए ये बताइएगा कि आपके जो ये कार्यकाल रहा है, 5 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, 4 साल हो चुके हैं, तो नगर निगम में कौन कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपके द्वारा यहाँ पे संचालित की गई या कम्प्लीट की गई? मैं मिथिलेश कुमार सिंह, वार्ड नंबर 45 राजरूपुर का पार्षद हूँ, और इसके पहले वाले चुनाव में चुना गया, पहली बार चुना गया। जब से योगी सरकार आई है या मोदी सरकार आई है, स्मार्ट सिटी पर विशेष ध्यान दिया गया कि शहरों को अच्छा बनाया जाए और नाली की सुविधा, सीवर लाइन की सुविधा, सीवर से ज़्यादा से ज़्यादा घर जुड़े जाएं, ड्रेनेज सुविधा, बिजली, सड़क और पानी चौड़ीकरण पर ध्यान दिया गया। हमारे नगर निगम ने जब से आदरणीय महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी हैं और हमारे पूरे पार्षद, हम तो कहते हैं पूरे पार्षद मिलकर, और इस शहर को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में और स्मार्ट बनाने में सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। जहाँ तक देखा जाए काम की बात है, तो हमारा शहर पश्चिमी के जितने भी मोहल्ले थे, वार्ड थे, बहुत पिछड़े हुए थे इसके पहले, 5 साल पहले। लेकिन जब से ये सरकार आई है, जब से हमारी महापौर हम लोग चुने गए, इस समय भाजपा की सरकार है, बहुत विशेष कार्य हुआ है। हमारे यहाँ सड़कें जो थी बिल्कुल आने जाने लायक नहीं, तो उसको चौड़ीकरण कर उसको कम से कम 60 फीट कर दिया गया चौड़ीकरण कर, और यहाँ से झलवा तक या एयरपोर्ट तक कहिए, विशेष रूप से चौड़ा हो गया और हम लोग के वार्ड में खूबसूरती आ गई और VIP रोड हमारी हो गई। जहाँ तक हमारे वार्ड में सीवर की व्यवस्था है, 80% घर सीवर लाइन से जोड़ दिए गए हैं। मुश्किल से 10 से 15% तक, वो भी हमारे यहाँ इंडियन ऑयल की एक 60 फीट रोड है, पाइप लाइन जाती है। इसके अवरोध के वजह से करीब 15% घर नहीं जुड़े हैं, 5% घर अभी कमियां हैं, कुछ ना कुछ इस वजह से नहीं जुड़े हैं। तो ये विशेष एक काम रह गया है। जहाँ तक सड़कों की बात है, हमारे कार्यकाल में 54 सड़क या गलियां बनाई गई, जबकि पिछले समय में हम समझते हैं कि लगभग 96 गलियां हैं हमारे यहाँ, मुश्किल से 10 या 12 गलियां बनी हुई थी। तो हम लोग के कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। बिजली की जहाँ तक LED लाइट, शायद शहर में हमारे राजरूपुर में सबसे पहले LED लाइट लगभग सभी खंभों पर लगे, तो हम LED लाइट के मामले में भी नंबर एक पर हैं। तो हमारे समय में LED लाइट पूरे पूरे खंभे में होंगे। तो स्मार्ट सिटी के लिए बिजली, पानी, शुद्ध पेयजल, पेयजल की जहाँ तक व्यवस्था है, कुछ एरिया हमारे जैसे कसारी मसारी हमारे एरिया में, नई आबादी आती है, कुछ एरिया में भी परेशानी, हमको 2 ट्यूबवेल मिले हैं, मिनी ट्यूबवेल, लेकिन निकाय और ट्यूबवेल की जरूरत है, एक नहीं कहेंगे हम, कम से कम 2 मिनी ट्यूबवेल की जरूरत है, तो पानी की हमारी समस्या जो थोड़ी बहुत है वो दूर हो जाएगी जी। इसके अलावा बात करें अगर शिक्षा की, तो शिक्षा में आपके जो वार्ड है इसमें नगर निगम द्वारा संचालित कुछ विद्यालय वगैरह हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे वार्ड में 45 में तो नहीं है, हमारे वार्ड में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं। ऐसे तो प्राइवेट विद्यालय हमारे यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे वार्ड में नहीं है। पार्क वगैरह जी, पार्क चूँकि पार्क हमारा अपने लोगों द्वारा जो है, प्राइवेट लोगों द्वारा बसाया हुआ है राजरूपुर, तो राजरूपुर में पार्क नहीं है, लेकिन हमारे में PDA का एक थोड़ा सा एरिया आता है नंदगांव, उसमें एक बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन वो अतिक्रमण कर लिया गया है लोगों द्वारा जबरन, उसमें जो है मलवा और ये डाला जाता है, मिट्टी खोद ली गई है। हम अपनी अभी आपके द्वारा प्रशासन से, महापौर जी से निवेदन करें कि उस पार्क को, बहुत बड़ा पार्क है वो, उस पार्क को बनवाया जाए। उसके लिए हमने शासन को भी लेटर लिखा था कि इस पार्क को बनवाया जाए। अब तो ये नगर निगम में स्थानांतरित हो गया मेरा PDA पार्क, तो PDA ने कभी ध्यान नहीं दिया उस पार्क पर, जब बहुत बड़ा पार्क था, इससे काफ़ी लोगों को सहूलियत होती घूमने टहलने और बैठने में, लेकिन गुंडों द्वारा वो अतिक्रमण कर लिया गया। अभी भी वो अतिक्रमण, अब गुंडाई तो नहीं है लेकिन अतिक्रमण उसी तरह है, गंदगी और ढेर उसी तरह, उसके बीच से एक नाला भी निकलता है। तो आप लोग की तरफ से मतलब बहुत प्रयास किया गया, हमने लिख कर दिया है नगर निगम में, दिया है प्रशासन को भी दिया है, हमने लखनऊ भी लेटर एक भिजवाया था कि इसको मतलब सौंदर्यीकरण किया जाए इस पार्क का, लेकिन अभी तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं। कुछ
कुछ भी ओपन जिम वगैरह की व्यवस्था भी नहीं? ओपन जिम तो हमारे चूंकि अपार्टमेंटों में कई जगह मैंने जरूर लगवाया, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसी जगह नहीं जहाँ ओपन जिम लगाया जा सके। जी पार्क है नहीं मेरे यहाँ। एक बड़ा क्रूशियल समय रहा कोरोना का, जिसमें सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, उसमें आपके तरफ से क्या प्रयास किए? देखिए जब कोरोना में लॉकडाउन लगा तो हमारे बड़े भाई साहब अखिलेश सिंह जी भी पार्षद हैं, वो प्रयास नगर एक के, हम लोगों ने दोनों लोगों ने आपस में तय किया और मित्रों के जो हमारे मित्र हैं सब लोगों ने तय करके और आपस में हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके लोगों के सहयोग से, सिर्फ मेरा उसमें सहयोग नहीं था, सभी लोगों के सहयोग से करीब 3.5 से 4 लाख रुपये इकट्ठे हुए। हम लोग प्रतिदिन कम से कम 150 पैकेट चावल दाल आलू ये सब लगातार 56 दिनों तक हम लोग बांटते रहे और लोगों का सहयोग अपने आप से लोग हम लोग को चंदा दे जाते थे कि नहीं आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया कीजिए। जिन घरों में कोरोना निकल जाता था वहां पर हम पहुंचते थे घरों पर और पहुंच कर ये पूछते थे कि आपकी आवश्यकता क्या है, आप आवश्यकता बताइए। अगर उस घर में खाने पीने के अगर बहुत गरीब परिवार अत्यधिक गरीब परिवार होता था तो हम लोग अपने से आटा गेहूँ चावल ये सब पहुँचा देते थे और जो सक्षम परिवार होते थे तो हम कहते थे हमको आप लिस्ट दीजिए, उस लिस्ट को हम दुकानों में भिजवा देते थे और उस दुकान से पूरा पूरा सामान हम उनके घरों में भिजवा देते थे, वो बाद में बेचारे जब ठीक हो जाते थे तब जाकर वो पैसा देते थे। और RT-PCR जो चेक होता था हम घरों में ही सुविधा करवा दिए थे, लोगों को बुलाते थे टीम को स्वास्थ्य टीम को और घरों में भेज कर जो बुजुर्ग होते थे जो बच्चे होते थे माताएं होती थी उनका घरों में ही हम चेकअप कराते थे RT-PCR से, जब भी निगेटिव होता था वो होता था गाड़ियों की सुविधा करते थे, उसमें काफी सहायता की गई और सहयोग। पिछला जो 4 साल या 4.5 साल आपका बीत चुका है जी, इसमें शासन और सत्ता का जो सहयोग होता है उसको कैसे देखते हैं, पूरा सहयोग मिला है आपको? नहीं सहयोग तो मिला, शासन सत्ता का सहयोग मिला, हमारे महापौर जी का हम लोग हमेशा ऊपर से सहयोग मिला है, काफी आशीर्वाद मिला है, तो इसमें तो मिला है सत्ता का मिला है। अभी आप सुन रहे थे मिथिलेश कुमार सिंह जी को, जो की वार्ड नंबर 45 ओम प्रकाश सभासद नगर पार्ट 2 से जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं यहाँ से। इन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकास का कार्य हुआ है, कौन से विकास के कार्य हुए हैं उनको इंगित किया बिंदुवार तरीके से। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एकमात्र पार्क जो कि यहाँ पे अवेलेबल है इसमें अतिक्रमण का शिकार है, तो हम अपने माध्यम से चाहेंगे कि जो शासन सत्ता है उस पर अतिक्रमण को हटा करके यथाशीघ्र उसमें विकास के कार्य किया जाए ताकि लोग जो है उस पार्क का भरपूर यूज करता है, बच्चे आजकल उसमें खेल कूद करके अपनी जो दिनचर्या है उसको अच्छे से व्यतीत करता है। प्रकाश मिश्रा जनमीडिया टीवी के अपने कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ। बहुत 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 धन्यवाद आपका, जनमीडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।